नमस्कार, आप देख रहे हैं सी टीवी न्यूज, हर कदम खबर की ओर। तो चलिए नजर डालते हैं आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। कल शाम बरोरा के चिंचाला गांव में स्मशान घाट में दाह संस्कार चल रहा था कि पास ही में एक पेड़ पर स्थित मधुमक्खियों ने अचानक लोगों पर हमला कर दिया। हादसे में 15 लोग घायल हो गए, जिसमें से 2 गंभीर रूप से घायल लोगों को चंद्रपुर सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुणे में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में बल्लारपुर तहसील के नवबुद्ध सरकारी आवासीय विद्यालय के 21 छात्रों ने प्रतिनिधित्व किया और 4 छात्रों ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। इसमें 6 छात्रों ने सिल्वर तथा 11 छात्रों ने शानदार सफलता हासिल की है। चंद्रपुर गढ़चिरौली जिले के गुस्साए नागरिकों ने आदमखोर बाघ को कैद करने की वन विभाग की अक्षम्य कार्रवाई को लेकर कल चंद्रपुर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने घंटानाद आंदोलन किया। इसमें सांसद बालू धानोरकर, विधायक प्रतिभा धानोरकर ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात कर उनकी मांगों को समर्थन दिया। ब्रह्मपुरी तहसील में एक आदमखोर बाघ के डर से स्कूली छात्रों में डर का माहौल बन गया है। छात्रों द्वारा स्कूल से छुट्टी की मांग करने या फिर स्कूल का बहिष्कार करने की खबरें सामने आ रही है। इससे स्कूल में छात्रों की संख्या कम होकर शिक्षक भी चिंतित नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले बाबूपेट इलाके में शराब की 3 दुकानों को स्थानांतरित करने की मांग को लेकर महिलाओं ने धरना किया था। इस आंदोलन का जायजा लेते हुए पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कल राज्य के आबकारी विभाग के मंत्री शंभुराज देसाई को इन 3 दुकानों को स्थानांतरित करने के संबंध में एक पत्र भेजा है। गोंड पिपरी में चेक दरूर के एक 24 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक का नाम रोशन प्रकाश देशमुख होकर आत्महत्या का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। सोमवार को युवक ने घर के पास बने पशुशाला में आत्महत्या कर ली, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। शोधकर्ता कवड़ू लोहकरे ने चिमूर तहसील के भीसी गांव में ब्रिटिश काल के एक स्तंभ का पता लगाया। स्तंभ का उपयोग ब्रिटिश काल में दिशा दर्शक के रूप में किया जाता था। इस स्तंभ के अंत में एक यू आकार का पत्थर लगा होकर इस तरह का कॉलम पहले ताड़ोबा में भी देखा जा चुका है। संत तुकाराम महाराज सेवा मंडल एवं बल्लारपुर मेडिकल एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से कल निःशुल्क आरोग्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। सुबह 10 बजे से बल्लारपुर तहसील के इस आरोग्य जांच शिविर का बड़ी संख्या में लोगों ने लाभ लिया। चंद्रपुर जिले के पलसगांव बालापुर मार्ग पर रविवार को धान की बोरी और मजदूरों से लदा हुआ एक ट्रक पलट गया। सौभाग्य से कोई दुर्घटना नहीं हुई। सड़क की जर्जर हालत के कारण इस सड़क पर इस तरह के कई हादसे हो चुके हैं, जिसके कारण नागरिकों में भी भारी रोष देखा जा रहा है। तो सी टीवी न्यूज, हर कदम खबर की ओर में ये थी खबरें फटाफट। मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए सी टीवी के साथ। नमस्कार।